अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक। और बच्चे जो हैं तैयार होकर खड़े हो गए। और यमुना की रास्ते तबीयत सही नहीं थी तो यमुना को अभी पिलाइए दवाई। तो यमुना थोड़ी बेहतर है, अभी नहा धो के यमुना बैठी है तैयार होके। और अभी मैं बच्चों से मिलवाती हूँ। और आज हमारे घर मेहमान भी आने वाले हैं तो अभी हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। तो बस हानिया जो है ना बीच बीच में अम्मा बन जाती है। तो हानिया की भी ड्रेसिंग दिखाती हूँ और यमुना की भी। तो आप लोग हानिया यमुना से मिले। वालेकुम अस्सलाम। आप तो सलाम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो ईद मुबारक। हाँ बोलो, आप लोग ठीक हैं? हाँ मैं ठीक नहीं, मेरी तबीयत खराब। तबीयत हाँ, आप दुआ करें। और मैंने ना आज हानिया यमुना को ये ड्रेसिंग करवाई है क्योंकि ये ना जैसे ठंडा भी और नॉर्मल। तो मैंने बोला बच्चे ना सही रहेंगे क्योंकि अभी बाहर वगैरह भी नहीं जा रहे ना, इसलिए। तो आपको असलम से भी मिलवाते हैं, कल मैं भूल गई थी असलम से मिलवाना आप लोगों को। और मैं चले गई थी अम्मी के घर पर। हाँ तो चले, मैं असलम से मिलवाती हूँ। भाईजान आपको ईद की मुबारक, बहुत बहुत अल्लाह ताला खुशियाँ अदा करे आपको। ईद क्या रोज़े क्या तरावियों में अल्लाह ताला आपको हदायत बहुत जल्दी दे ख्याल आया तुम्हें। खुश रखे अल्लाह ताला, बच्चों में अपने बच्चों में खुश रहो अल्लाह ताला, जिंदगी रखे। आपकी कैसे गुजरी माशाल्लाह? हमारी तो घर में गुजरी, हमारी तो घर में गुजरी। कल मम्मी क्या चले गए थे, अब पहली थी उसकी। तो बस अभी हम लोग तैयार हो गए और अभी आ जा रही है असलम की बहन और असलम के दोस्त की फैमिली। तो वो लोग तो बनाते नहीं है, कैमरे के आगे आते हैं इसलिए उनका मुमकिन नहीं है। मगर जो हमने खाना वाना बनाया है वो आपके साथ शेयर करेंगे ना। तो अभी असलम जा रहे हैं अपनी अम्मी से मिलने। अभी पंजाब जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, दुआ करना खैरियत से रफ्तार पहुँचा दे रफ्तार मेरे को। बेगम मेरी मान रही नहीं है, बेगम तुम ही चलो। बोले नहीं हमारे को, मैं ऐसे करोगे। मैं क्या 8 साल 9 साल हो गए आपको हमारे साथ शादी हुए हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हमारे साथ? यार मोहब्बत है तो चलो हमारे साथ। नहीं जाना था बता दो, तो अपने बच्चे ले जाऊँगा। बच्चे ले जाऊँगा, अम्मी मेरी बहुत बच्चे याद। चलें गाइस, हमारा ना कल से पैकेज भी नहीं है तो मैं अपना ना पहले का व्लॉग भी नहीं डाल सकी। तो आप लोग दुआ करें कि भाई वो फ़ोन उठा ले, कल से वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा हमारा। और हमने इतनी उसको कॉल करी, मैसेज करे, फिर भी नहीं उठा रहा। तो चलें गाइस, जो जो मैं करती रहूँगी आपको दिखाती रहूँगी। मैंने बुंदे उंदे कुछ भी नहीं पहने, अभी पहनूँगी असलम से ही। तो मैं खुद नहीं पहन सकती ना इसलिए असलम से पहने। तो अभी चलें, जो जो करती रहूंगी आपको दिखाती रहूंगी। आपने तो हमारे YouTube फैमिली को ईद मुबारक बोला ही नहीं आपने। अब आप सलाम करें और बोलें आज से दूसरी ईद हो गई है। अच्छा, मुबारक। चलो मैं बोल देती हूँ अपनी फैमिली की तरफ से। तो आप खाना क्यों नहीं खा रही? अच्छा, आज हमारे मेहमान आए हुए गाइस। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि असलम की बहन आएंगी, भांजियाँ वगैरह सब आए हुए, तो वो कैमरे के आगे नहीं आते, हम नहीं ले सकते उनको। हाँ खाना ज़रूर ले सकते हैं, हम हमारा खाना लग चुका है। और हाँ बाजी गिरी मेरे को ले ले, तो मैंने बाजी को ले लिया। और असलम की ये बड़ी बहन है तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हम भी करते हैं, असलम भी खुद भी करते हैं। असलम को बहनों की दरअसल ज़्यादा लगती है इसलिए, सॉरी कुछ बोल दिया था। बाकी तो असलम कहीं जाके बाद में क्लास ना ले मेरे से, बोले तूने ऐसे क्यों बोला। यमुना आपकी तबीयत सही है? आप सोकर उठ गई? यमुना बताओ आपकी तबीयत सही है? चला है यमुना, आप बताओ तबीयत ठीक है आपकी? नहीं ठीक, क्या हो गया आपको? यमुना को भाई चढ़ गया बुखार और अभी असलम खाना खा रहे हैं। खाना हो गया आपका? अच्छा खा रहे हो, सही है, खाओ। गिरा के मेरे मोबाइल की आवाज़ कम कर दी। वैसे बचा होता उसके अंदर भाई, दमाद से बेटे से भाई भी आ गई है। तो इसका तो है कि बात तो जाती है, आवाज़ आती है। थोड़ी
नहीं भाई है चोर तो बड़े वाले दामाद बेटी। अरे मैंने बोला कि बड़ी बेटी दामाद है इनके, छोटे वाली बेटी दामाद नहीं आए। नहीं भाई तो गले भी लगाते बहनों को। हम कल अपने सारे मामुओं से ईदी मिले, भाइयों से मिले। असलम की आदत मुझे अच्छी लगती है, असलम कुछ भी नहीं कहते। बाकी घर वाला घर वाला बढ़ जाए, घर है ना वाला उसकी बेटी नहीं है ना।